ती आपके बड़े शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया प्रभु कि मैं आपकी उपस्थिति में आ सकें और आपका धन्यवाद कर सकें क्योंकि आप ही सारे आदर इज्जत और महिमा के योग्य हैं प्रभु। आपने भाई बहनों को उपवास रखने का फजल दिया प्रभु, आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह, ताकि अपनी प्रार्थनाओं को आपके सम्मुख लेके आ सकें खुदावन। और आप प्रभु हमें कॉन्टेक्स्ट बख्शें प्रभु, हमसे आके बातचीत करें खुदावन, ताकि हम अपनी प्रार्थनाओं को आपके हुजूर में रखने पाए प्रभु। और हम में से हर एक को फजल दें प्रभु, अपने मुंह को खोल सकें प्रभु, आपका धन्यवाद देने के लिए प्रभु और अपनी प्रार्थनाओं को आपके सामने रखने के लिए। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, यहाँ जितने भाई बहन आए सबको नाम बनाम बड़ी आशीष और बरकत दें खुदावन। आपके नाम की तारीफ और स्तुति बढ़ाई हो प्रभु, हमारे अजीज पास्टर भाई को भी आप बड़ी बरकत दें खुदावन। शैतान ने तो कई साल पहले चाहा था आपकी इस भाई को हमारे बीच से ले जाएंगे, लेकिन खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने जीवन को बख्शा क्यों खुदावन। बहुत सारे जीवन थे जिन्हें पैदा होना था प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह मैं उस बात की गवाही आज खड़े होकर देता हूँ प्रभु कि मैं पैदा हुआ खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा खुदावन। आपके नाम की तारीफ हो प्रभु, और प्रभु मेरी प्रार्थना है खुदावन कि सच्चे मन से प्रभु अपने आप को आपके सामने खुदावन उंडेल सकें प्रभु, और अपनी प्रार्थना को खुदावन आज के सीजन के अनुसार चढ़ा सकें प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन, जैसे ईद पेंतेकोस्त के दिन प्रभु पवित्र आत्मा आपने बख्शा प्रभु, और जैसे पवित्र आत्मा ने अगुवाई करी खुदावन, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह आपके विषय में बोलना शुरू किया खुदावन, आपका धन्यवाद देना शुरू किया। ओ खुदावन, मैं वही उच्चारण चाहता हूँ कि आज आपकी कलीसिया को मिल सके प्रभु, ताकि हम उन शब्दों को बोलने पाए जो आपको पसंद है प्रभु यीशु मसीह। खुदावन अपने शब्दों को लेके नहीं आए प्रभु, लेकिन जो शब्द आप डालते हैं मुंह में प्रभु उनको हम बोल सकें प्रभु। आपके नाम की तारीफ हो, सबको बड़ी बरकत दें खुदावन। उस फाइनल आउटपोरिंग के लिए हमें तैयारी पक्ष है प्रभु, वो वेसल्स तैयार हो सकें जिसको कि आप भर दें खुदावन। आपके नाम की तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। गीत का नंबर 35 गाएंगे, 35 नंबर हिंदी सेक्शन से। आए खुदा कलवरी से एक लहर भेज, अपनी दुल्हन को साफ कर अभी फतेह की कुव्वत दें, पूरी खुशी और तेज फायदे के लिए ठहरते सभी। आए खुदा कलवरी से एक लहर भेज, अपनी दुल्हन को साफ कर अभी फतेह की कुव्वत दें, पूरी खुशी और दे वायदे के लिए ठहरते सभी। अपनी कुव्वत जला ले अभी, अपनी कुव्वत जला ले अभी, सब कमजोरों को आप फतेह मंद बनाए, अपनी कुव्वत जला लिए भे। हमको यीशु से और शिक्षा जीवन में दे, खुशी से अपने मार पर चलाए, हर लड़ाई में जय पाने की ताकत दे, अपने प्यार और ईमान में बढ़ाए, अपनी कुव्वत जला लिए भेज, अपनी कुव्वत जला लिए भेज, सब कमजोरों को आप फतेह मंद बना, अपनी कुव्वत जला लिए भेज, सुस्त और सर्द दिलों को रू में बिल्कुल जगाए, दुनिया में जो लज गए हैं, बारिश बरकत की हम पर आसमान से बरसा, क्रूस की तरफ सब सब अपनी कुव्वत जला लिए भेज, अपनी कुव्वत जला लिए भेज, सब कमजोरों को आप फतेह मंद बना, अपनी कुव्वत जला लिए भेज, एक बार और, अपनी कुव्वत जला लिए भेज, अपनी कुव्वत जला लिए भेज,
सब कमजोरों को आप फतेह मादा बनाए, अपनी कुवत जला लिया पे। Amen, Hallelujah. हम चाहते हैं खुदा उस कुवत से, उस फाइनल आउटपोरिंग से दुल्हन को भर दे। और आज अगर दुल्हन एक मन से इस बात को पुकारती है, सो खुदावन जरूर इसको मुहैया करेंगे। Amen. कितने चाहते हैं वो बेदारी अपने जीवन में, वो राइड खुदावन आपके और मेरे साथ कर सकें। Amen. अपनी कुवत जला लिया भेजें, सब कमजोरों को आप फतेह मंद बनाए, अपनी कुवत जला लिया भेज। Amen. God bless you all. आइए हम लोग जबकि सब खड़े उस कोरस को गाएंगे, Only believe, all things are possible. Amen. Only believe. Only believe. And all things are possible. Only My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. And we all believe. My Jesus is here. Aziz, Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is he, my Jesus is here, my Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. प्रभु के वचन को खोलेंगे, हिजकिएल उसका 22वां अध्याय। और उसकी 29वीं और 30वीं आयत हम पढ़ेंगे। द पीपल ऑफ द लैंड हैव यूज्ड ऑपरेशन एंड एक्सरसाइज्ड रॉबरी एंड हैव वेक्स्ड द पुअर एंड नीडी, ये दे हैव ऑप्रेस्ड द स्ट्रेंजर रॉन्गफुली, एंड आई सॉट फॉर अ मैन अमंग देम दैट शुड मेक अप द हेज and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Therefore have I poured out my indignation upon them. I have consumed them with the fire of my wrath. Their own way have I recompensed upon their heads, saith the Lord God. धन्यवाद हो इन वचनों के लिए, आइए इनसे बात करें और हमें विषय दें प्रार्थना का, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। और भाई लाल के ग्रुप को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। आज हम खुदा का धन्यवाद देते हैं इस बहुत ही प्यारे और सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया।
कि हम प्रभु के सामने आ सकते हैं और अपनी इल्तिजाओं को खुदावन के सामने रख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए एक विषय की ओर देखेंगे। आज सुबह जब मैंने बाइबल खोली तो यही वचन खुला और बाद में मैंने इस पर विचार भी किया, आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। यहाँ मैं चाहूँगा भाई हिंदी में पढ़ें 29वीं आयत से। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं, वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। देश का हाल बहुत बुरा है, बात हो रही है इज़राइल मुल्क की, लेकिन पढ़िए आगे। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। नोट करें, एक तरफ खुदावन देख रहे हैं देश के अधर्म को, लेकिन दूसरी तरफ ये खुदावन ने हिज़कियेल नबी के द्वारा अपना मर्म प्रकट किया लोगों के पास, और वो ये है कि मैं ढूंढ रहा हूं कोई तो आए जो इन पापियों और मेरे बीच में खड़ा हो और मेरे और पापियों के बीच में खड़ा होके इल्तिजा करे इनकी बदौलत मेरे पास कि मैं उसकी सुनूं। मुझे ऐसा कोई ढूंढने पे मिला नहीं। भाई ब्रनम ने इंग्लिश में शब्द आया स्टैंड इन द गैप। भाई ब्रनम ने खैर दूसरा स्क्रिप्चर लिया और तब नबी ने एक बात रखी कि लोगों के लिए, प्रजा के लिए एक बिचवई के रूप में खड़ा होने के लिए पहले सबसे पहली जरूरत इस बात की है कि आपके अंदर अनुभूतियां हों उस प्रजा के लिए, आपके अंदर प्यार, तरस, खुदाई प्रेम पाया जाए उस पात्र के लिए जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं। समझ आ रही आप? और तब मैं पढ़ना चाहूंगा नबी के मैसेज में से ये कोट। आपको याद है कि कैसे डैनी हेनरी ने एक भविष्यवाणी करी अन्य भाषा में, और उसकी आखिरी लाइन ये कहती है, यही है जो कि इस एक बहुत बड़ी जीत को लेके आएगी दिव्य प्रेम में। और तब नबी कहते हैं इस दिव्य प्रेम में जो जीत आएगी को लेके, एंड इट टेक्स द लव ऑफ गॉड टू डैश आउट देयर ऑन द फ्रंट लाइन एंड स्टैंड इन द गैप फॉर द पीपल। ये खुदा का प्रेम है जो चाहिए कि आप सामने जाएं खुदा के और खड़े हो जाएं लोगों के और खुदा के बीच में। विदाउट दैट लव, उस खुदाई प्रेम के अलावा आप कर नहीं सकते। नबी ने मूसा को उदाहरण दिया, कोरा और दातान बुरी तरीके से लगे हैं मूसा को गिराने, मूसा का बुरा भला कहने, क्या तू अपने आप को सबको समझता है। और तब मूसा खुदावन और लोगों के बीच में खड़े हो गए। खुदा ने चाहा कि प्रजा को बर्बाद करें, मूसा बीच में आके खड़े हो गए और नबी ने कहा मूसा ने मसीह का स्थान लिया। ये मसीह की आत्मा थी मूसा में जो लोगों के लिए बिचवई का काम करके खुदावन से दुआ कर रही थी। आज खुदावन को खोज है एक बिचवई का, आमीन। इंसान और खुदा के बीच में एक ही बिचवई है जिसका नाम है मसीह। लेकिन फिर अगला सवाल, आज वो मसीह कहां पर है? आज वो मसीह कहां पर है? आज वो मसीह वहां पर हमारे लिए स्वर्ग में बिचवई का काम कर चुके, आमीन। लेकिन वो बिचवई का काम जो आपने हमारे लिए किया, वही पवित्र आत्मा आज आपने दुल्हन को बख्शा। क्या दुल्हन के लिए जरूरत है कि वो किसी के लिए बिचवई में खड़ी हो? आमीन। है पुराना विचार, लेकिन एक बड़े नए रूप में आपके सामने मैं लाने की कोशिश में हूं
कि अगर आप बिचवाई में खड़ा होने की कोशिश करें प्रभु की आत्मा में, तो मसीह का आत्मा आपके साथ आ गया, और जब मसीह का आत्मा आप में आ गया, अब आप तैयार हैं एक पैराडॉक्स के लिए। आपके जीवन में पैराडॉक्स घटेगा, आपके जीवन में खुदावन अजूबे करेंगे, क्योंकि आपने मसीह का स्थान लिया। आज मौका है कि इससे पहले कि हम दुआओं में जाएं, हम इस बात को समझें, जिनके लिए मैं दुआ कर रहा हूं क्या उनके लिए मेरे दिल में भावनाएं हैं, या मैं अपने लोगों के लिए भावनाएं खो बैठा हूं, जैसा आपने इस संदेश में कबूला। भाई ब्रैनम कहते हैं, क्या अगर खुदाई प्रेम आप में हो या थोड़ा भी प्रेम का अंश, और एक अंधा आदमी एक चट्टान के पास जा रहा है और नीचे बहुत गहरी खाई है, और कुछ ही मिनट में वो गिर के मर जाएगा, उसे नहीं दिखाई दे रहा, वो अंधा है। नबी ने कहा लाओदीसिया कलीसिया काल के दूत को, ले तू तुच्छ अभागा कंगाल अंधा नंगा है और नहीं जानता। तो अगर आप जानते हैं और कोई दूसरा है जो नहीं जानता, वो तो मर नहीं जा रहा है, लेकिन क्या खुदाई प्रेम आपको विवश नहीं करेगा कि आप उस भाई को डांटें, कहें रुक जाओ, मर जाओगे, गिर जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। क्या सच्चाई है? ऐसे ही प्यारे भाई, आज क्या वो खुदाई प्रेम आप में पाया जाता है कि आज आप उपवास सहित जब यहां आए हैं तो उपवास का एक और पहलू समझें कि आप एक बिचवाई में खड़े हों अपने और अपनी प्रजा के लिए। डैनियल ने एक बिचवाई का काम किया, अति प्रिय कहलाया, और खुदा ने अपने मर्म को उस पर जाहिर किया। सारा टाइम एलिमेंट 70 सप्ताह गर्जन के शब्द एक बिचवाई ने सुने। क्या आज आप अपने प्यारे भाई बहनों के लिए बिचवाई का काम करना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि मसीह की आत्मा आप में आए, भर भर के अपने भाइयों बहनों के लिए दुआ करें? एक तरफ मैं कहूंगा कि हमारे बीच में शायद चोरी चकारी ना हो, नहीं सॉरी है, इक्का दुक्का है, याद आ गया, इक्का दुक्का है, चोर हैं, चोर चोरी करते हैं, पैसा मारते हैं। खैर आजकल चर्च आ नहीं रहे वो, दूसरे अंधेर करना, अब मैं किसी के घर में घुसा नहीं, लेकिन हो सकता है कहीं पर अंधेर का काम चल रहा हो। फिर दूसरी तरफ हमारे ही भाई बहन सफर कर रहे हैं नाना प्रकार की बीमारियों से। अब क्या मसीह का आत्मा आज हम में बैठकर इनके लिए दुआ करेगा? अगर आपने वो दुआ करी, आप मसीह कहलाएंगे। आज की मीटिंग के बाद आप पे एक छाप लग गई, आज का मसीह ये भाई ये बहन। और जब आप पे छाप लग गई कि आप आज के मसीह हैं, तो जैसे मसीह को सरफराज करके उठा दिया, आपको उठा देंगे, आपकी सरफराजी अपने आप आएगी। इधर अब्राहम ने बिचवाई का काम किया लूत के लिए, खैर लूत के साथ जो हुआ उनके साथ हुआ, अब्राहम के साथ क्या हुआ? उनका जिस्म ही बदल गया, सारा का जिस्म बदल गया रैप्चर से पहले। क्या आज रॉयल सीड ऑफ अब्राहम ये बिचवाई का काम करेगा? क्या आज भी खुदा को ढूंढ है किसी आदमी की जो अपने और अपने प्रजा के बीच के निमित्त खुदा के सामने दुहाई दे और बीच में खड़ा हो? आमीन। इस बीच में खड़ा होने के लिए पत्थर का दिल काम नहीं करेगा। अगर आपके दिल में भावनाएं नहीं अपने भाई बहनों के लिए, प्लीज दुआ मत करें। बिना भावनाओं से खुदा को अप्रोच ना करें। लेकिन अगर दिल से आपका दिल टूटा हुआ है,
आपका दिल प्यार कर रहा है अपने गिरे हुए भाई के लिए, अपनी गिरी हुई बहन के लिए, या किसी भी तरीके से अगर वो भाई बीमारी से या किसी तकलीफ में गिरा हुआ है और आपका दिल पुकारता है, आप उन भावनाओं में उसे छू सकते हैं, आपके लिए आज मौका है कि आप एक बिचवई बने आज शाम किसी भाई बहन के लिए, और उसको उठाएं खुदावन के सामने, उस भाई को बहन को, और दुआ में रखें। बिचवई अपने लिए दुआ नहीं करता, बिचवई दुआ करता है किसी और के लिए। बिचवई को क्या मिला? साधारण सा जवाब, जो मसीह को मिला। मसीह को क्या मिला? सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दे दिया गया है। तो अगर एक छोटा बिचवई, बड़ा तो सबसे महान तो वही है, अगर एक छोटा बिचवई आप बन जाए। बाइबल लिखा, धन्य है जो मेल कराते हैं। आमीन। एक दूसरी आयत, हमने सोचा दो लड़ रहे हैं, उनके बीच में हमने मेल करा दिया। अरे भाई बहन, सबसे बड़ी लड़ाई तो इंसान और खुदा की है। अगर हमें मेल मिलाप की सेवकाई दे दी गई कि हम एक गुनहगार की मुलाकात मसीह से करा दें, तो वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। क्या वो फर्जंद आप कहलाना चाहेंगे? क्या आज भी अंधकार से कई बनाए हुए दास दुनिया में विचर रहे हैं, पोटेंशियली हमारे संभावित भाई बहन जो कल को होंगे लेकिन आज नहीं है क्योंकि दुनिया में भटक रहे हैं? याद करिए उस रहम को जो खुदा ने आपके जीवन में प्रकट किया। उससे पहले आपका क्या हाल था? क्या आप भटक रहे थे? क्या आप भटक रही थी? क्या आपको कोई मार्ग दिखाई दे रहा था? कुछ नहीं था, लेकिन वहां से खुदा ने निकाला और यूज किया एक भाई को कि वो आपके पास आए और आपको उस गर्त से और उस गिरी दशा से निकाले। क्या आप आज कारण बनना चाहेंगे कि अब मैं कारण बनूं किसी और को निकालने का? जैसा मैं ट्यूसडे को कह रहा था, आत्मिकता इस चीज में झलकती है, उपवास में, प्रार्थनाओं में, और आप कितनी रूहों को मसीह के पास लाए या लाने में सहयोग दे पाए। खाली बैठने से बात नहीं बनेगी प्यारे भाई, एक जवाब लिया जाएगा। वो दूधिया जो तुम्हारे घर आया, वो अखबार फेंकने वाला जिसे तुम्हारी मुलाकात हुई या जिससे तुमने बात करी, क्या तुमने उससे मसीह शेयर किया? ये बात पूछी जाएगी। इस बात को लेकर मैं घर में थोड़ा पर्टिकुलर रहता हूं कि जो रेगुलर बेसिस पे घर आए, और थैंक गॉड ऐसा हुआ भी कि उनको मैसेज सुनाया, कबूल करें ना करें उनकी बात, लेकिन उनको सामने मैसेज की गवाही जरूर देना। आपकी समझ मारी है? कोई रहना जाए जिसके पास आप एक गवाही दे ना पाए। पहली बात, गवाही देने से पहले आप भी तो गवाही बने। और खुदा का धन्यवाद हो, यहां बहुत बैठे हैं जिनके जीवन में खुदा ने नाना प्रकार की गवाहियां उत्पन्न करी। क्या ये सच्चाई है? अब जिस खुदा ने गवाहियां उत्पन्न करी, आज वो खुदावन ढूंढ कर रहे हैं किसी की, क्या कोई खड़ा होगा मेरी प्रजा के लिए भावनाओं सहित। सोच के देखें, एक पागल आदमी जिसे यही नहीं मालूम कि मैं पागल हूं, कैसी दुर्दशा है उसकी। हर थोड़ी देर के बाद दुष्टात्मा निकालता रहता है, लेकिन दुष्टात्मा निकल नहीं पाती। क्या जरूरत है कि ऐसे के लिए हम दुआ करें? एक तो डांट डफरा कहता है तुम्हारे कामों के कारण, मसीह का आत्मा बिचवई का काम करता है। मानिए आपके जैसा करोगे वैसा भरोगे। अरे भर तो रहा है, लेकिन खुदा को ढूंढ है एक बिचवई की, क्या कोई खड़ा होगा बीच में ताकि मैं उस पर कृपा करूं और ये बिचवाई के द्वारा एक रूप बच सके। प्यारे भाई बहन, आज
एक सेवकाई हमें दी गई जिसमें मैं और आप यहां इकट्ठा हैं उपवास सहित। जरूर कोई ना कोई आपके दिमाग में होगा, हो सकता अपना बेटा ही हो, बेटी हो, जो आज मसीह को प्रॉपरली जान नहीं पाया या नहीं पाई। हो सकता कोई अजीज हो सकता कोई हो जिसे आप रिसेंटली मिले, हो सकता कोई कलीसिया का जन हो। क्या आज आप उसके लिए बिचवाई बनेंगे? खुदावंद को ढूंढ है ऐसे मनुष्य की। गॉड ब्लेस यू। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं टाइटस भाई को बुलाऊंगा ताकि अब हम उस प्रार्थना में आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु यही चाहते हैं प्रभु, मसीह की आत्मा हमारे अंदर आए, बिचवाई का काम करें। जैसे भाई ने बताया, कई रूहें नाश हो रही हैं चर्च में, कोई कई भाई बहन बैकस्लाइड हो गए हैं, बिचवाई का काम करके प्रभु से प्रार्थना करके इनको वापस गले में लाने वाली बात है। एक समय था यशाया किसी का फैन था, उजिया बादशाह का, जब मर गया तो उसके फोटो को अंगारों से छुआ गया। वो कहता प्रभु मुझे भेज, आज कोई है रेडी जाने वाला बिचवाई का काम करने के लिए, लोगों को घसीट करके लाने के लिए, क्योंकि संसार बर्बादी के रास्ते पे जा रहा है। हम सब जानते हैं अब ये समय आखिरी समय चल रहा है, आखिरी भेड़ आना अवश्य है, जिससे कि हमारा भी यहाँ से जाना हो सके। प्रभु का डिमांड है, कोई है जो मेरे बदले गैप में खड़ा होगा और जो अंधा नंगा और नहीं जानता उनको रोशनी दिखा करके, मैसेज की रोशनी दिखा करके वापस लेकर के आएगा। प्रभु आप लोग बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष, पास्टर भाई को वो बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। एक बहुत मार्के की बात आज पास्टर भाई ने बताई है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मसीह का आत्मा हमारे अंदर आए, और जब वो उनका आत्मा हमारे अंदर आएगा तब ये बातें होंगी जो मसीह ने किया। उन्होंने अपनी जो जान तक भी दे दी, हम क्या कर रहे हैं मसीह, ये सोचने वाली बात है। तो कोई भी एक भाई प्रार्थना करे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हैव मर्सी लॉर्ड। Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. 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 Yes, Lord. Amen. 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 Yes, Lord.
आमेन आमेन। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, पिछले 2-3 हफ्ता पहले हम लोगों ने बहन सारा जो पटेल नगर की हैं उनके मामू के लिए दुआ करी थी, उनके किडनी फेल हो रहे थे, किडनी प्रॉब्लम था उनको, लेकिन आज खबर आई, बहन ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक हो गए। प्रभु हमारा प्रार्थनाओं को सुनता है, हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ खुदा बाप, आप हमारे कितने प्यारे पिता हैं प्रभु जी, अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को हमेशा ध्यान लगाते हैं प्रभु जी, प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी और उनका जवाब भी देते हैं प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, खास तौर से प्रभु जी अपने पास्टर भाई के लिए प्रभु जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओ खुदा बाप, आपने एक मिरेकल किया प्रभु, ओ जो दुनिया के लिए असंभव था प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे असंभव को संभव करने वाले हमारे खुदा हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप, भाई को प्रभु जी 30 साल पहले करीब करीब प्रभु जी आपने मौत के मुँह से निकाला प्रभु जी। ओ खुदा बाप, सच है प्रभु जी, बिना आलम से पेश कर आप सब कुछ जानते थे प्रभु जी, आज भाई की कितनी ज़रूरत होगी प्रभु जी, आपके लोगों को प्रभु जी आप जानते थे प्रभु जी। शैतान नहीं चाहता था कि आपका राज फैले, आपका राज बढ़े, आपके बच्चों को मिस्ट्री जो छुपी हुई हैं और जो निकल करके प्रॉफिट के द्वारा प्रचार करी जो समझ में नहीं आती वो समझ सके, रेवलेशन वचन का और मिल सके, लोग भाई और बहन रैप्चर के लिए तैयार हो सके, शैतान नहीं चाहता था प्रभु। अड़ंगे डाले प्रभु जी, भाई को बहुत तरीके से बीमार किया प्रभु जी, हो खुदा बाप मौत के शैया पे ले गया प्रभु जी, लेकिन आप विक्टोरियस गॉड है प्रभु जी। ओ खुदा बाप, आप सीन के ऊपर उतर के आए प्रभु जी, आपने मौत के डंग को तोड़ डाला प्रभु जी भाई के जीवन से प्रभु जी, और भाई को प्रभु जी आपने पूरी चंगाई दी प्रभु जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, भाई को आप तंदुरुस्त रखें प्रभु जी, हर एक बीमारियों से आप बचा के रखें प्रभु जी, भाई को अपने रेवलेशन से और भरते चले जाएं प्रभु जी। ओ खुदा, भाई की सेवकाई पे आप बड़ी आशीष दीजिए प्रभु जी। ओ खुदा, आप जैसे भाई जगह पर जाते हैं प्रभु जी, भाई को आप माइटली इस्तेमाल करें प्रभु जी, आपका आना बहुत नज़दीक है प्रभु जी, भाई की सेवकाई के लिए हिंदुस्तान से एक दुल्हन का हिस्सा निकलने पाए प्रभु जी। ओ खुदा, भाई की सहायता करें, मदद करें, घराने को भी आप बड़ी बरकत दीजिए, बड़ी आशीष दीजिए प्रभु जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओ खुदा बाप, हमारे बीच में लीडरशिप सेमिनार होने वाली है प्रभु जी, 25, 26, 27 अगस्त को प्रभु जी, जगह जगह से पास्टर भाई लोग और भाई लोग आएंगे प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप, आपको मालूम है प्रभु जी क्या मैसेज लाना है, क्या संदेश रखना है प्रभु जी, किन भेदों को इन भाइयों को खोलना है, आप सब जानते हैं प्रभु जी। हमारे पास्टर भाई को आप ओ खुदा बाप इस्तेमाल करें, भाई को अपनी आत्मा से और भरें प्रभु जी, और जो भी रिक्वायरमेंट होता है प्रभु जी इन 3 दिनों का प्रभु जी, ओ खुदा बाप वो निकल करके सामने आने पाए प्रभु जी, वो मीटिंग में आत्मिक रीति से शारीरिक रीति से बड़ी बरकत दीजिए, हर एक इंतजामों को आप अपने हाथ में लीजिए प्रभु जी। ओ खुदा बाप, और भाइयों की जो आते हैं प्रभु जी मदद करें, सेफ जर्नी दीजिए प्रभु जी, सही सलामत हमारे पास लेकर के आइए, तो यहाँ से भाई लोग जाएं तो बहुत खुश होते हुए जाएं कि भला हुआ हमने 3 दिन की सेमिनार अटेंड करी प्रभु, आशीषित होकर यहाँ से जाने पाए प्रभु जी। हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, ओ खुदा आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी और धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई लोग निकल करके जा रहे हैं प्रभु जी, ये बिछवाई का काम कर रहे हैं प्रभु जी, ये प्रभु जी इंसान और आपके बीच में खड़े होते हैं प्रभु जी, ये पापियों की मुलाकात ये आपसे करा रहे हैं प्रभु जी। ओह खुदा बाप, आप इन भाइयों को आप बड़ी बरकत दीजिए, बड़ी आशीष दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए आखिरी भेड़ जल्द से जल्द निकल करके आने पाए प्रभु जी, हमारा यहाँ से जाना हो सके, रैप्चर में जा सके प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते भाई सतपाल के लिए प्रभु जी, जो 14 तारीख को सहारनपुर जाएंगे और भवाना जाएंगे प्रभु जी, और 15 तारीख को वापस आएंगे, भाई की सहायता करें, भाई की मदद करें प्रभु जी, और अच्छी खबरों के साथ लौटने का फजल दीजिए। हमारे बीमारों को आपके पास लाते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी, चंगाई देते हैं प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं सिस्टर सोनम के लिए, भाई इमैनुअल की वाइफ हैं प्रभु जी, जिनको टूथ एक है बहुत सीवियर प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी। बहन को
टूट को छुए प्रभु जी, चंगाई दीजिए प्रभु जी। भाई सलमोन की डॉक्टर शारोन को प्रभु जी हाई फीवर है प्रभु जी, इस बच्चे को छुए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से इस बच्चे का सारा फीवर जाता रहे प्रभु, उठा करके खड़ा करें प्रभु जी। भाई जोगिंदर की वाइफ सिस्टर कांता के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, बॉडी एलर्जी है प्रभु जी, जो भी रीज़न है यीशु मसीह के नाम से रीज़न को दूर करें, बहन के बॉडी एलर्जी जो है शिफा दीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, भाई नितिन के का बेटा प्रभु जी शालोम प्रभु जी, उसे भी बॉडी एलर्जी है प्रभु जी और इचिंग है प्रभु जी, आप इस बच्चे के ऊपर दया करें, सारे इचिंग और बॉडी एलर्जी जाती रहे प्रभु जी, पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं भाई प्रमोद के लिए प्रभु जी, जो लोनी बॉर्डर के हैं प्रभु जी, उन्हें फीवर है, बॉडी पेन है, भाई को पूरी शिफा दीजिए। भाई नितिन मसीह के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, जय मसीह के बेटे हैं प्रभु जी, इन्होंने पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी, इनका सिलेक्शन होने पाए, जब इनकी इच्छा है आसपास किसी कॉलेज में इनका एडमिशन हो सके प्रभु जी। हो खुदा बाप आप दया करें, आप सब कुछ कर सकते हैं, बुद्धि ज्ञान के देने वाले आप हैं, सब कुछ असंभव को संभव करने वाले आप हमारे खुदा हैं, इनकी सहायता करिए प्रभु जी और इनकी रिक्वेस्ट को आप ग्रांट करें प्रभु जी, वो दया करें प्रभु जी। आपके सन्मुख उठाते हैं सिस्टर मंगला को, जो भाई विजय कुमार की वाइफ हैं प्रभु जी, जिनके हाथों में एलर्जी है प्रभु जी, आप इस बहन की एलर्जी को यीशु मसीह के नाम से दूर करें। इनकी बेटी अनानिया के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और जिनके नेक में ग्लैंड है प्रभु जी, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होना है प्रभु जी, आप परफेक्ट कंट्रोल में है प्रभु जी, यदि ऑपरेशन होना है प्रभु जी तो आप हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में रखें प्रभु जी। हो खुदा, लेकिन हमारी तो इच्छा यही है प्रभु जी, आप इस बच्ची को छुएं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से इसे पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी, इसे पूरी चंगाई दीजिए, आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते भाई जॉन की बेटी जेनेसिस के लिए प्रभु जी, जॉन बोआ नरगिस की बेटी जेनेसिस के लिए प्रभु जी, जिसे एंट ने फेस में बाइट करा है प्रभु जी, आप वो बच्चे को छुएं प्रभु जी, पूरी शिफा दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते भाई अरुण संधू के भाई अमित संधू के लिए प्रभु जी, वो खुदा जिनका एक्सीडेंट हुआ है प्रभु जी, चोट लगी है प्रभु जी, आप दया करें प्रभु, जो कुछ भी हुआ है प्रभु जी, जो कुछ भी चोट चाट लगी है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से इस भाई को शिफा दीजिए प्रभु जी, उठा करके खड़ा करें प्रभु जी, अपने भवन में रिस्टोर करें प्रभु जी। उनके बेटे एबनर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस बच्चे का माइंड डेवलप नहीं हुआ है प्रभु जी, ओ खुदा बाप आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी, डॉक्टरों के हाथ में कुछ नहीं है प्रभु जी, हर एक चीज़ आपके हाथ में है, आप बॉडी को बनाने वाले हैं, बॉडी के हर एक अंग को आप बनाने वाले हैं। ओ खुदा बाप इस बच्चे के माइंड को वो खुदा आप छुएं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी इसे नॉर्मल करें, इसका बिहेवियर नॉर्मल होने पाए प्रभु जी, सारी कमियों को घटियों को इस बच्चे में से निकालें प्रभु जी, और यीशु मसीह के नाम से इस बच्चे को शिफा दीजिए प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी, और उसका जवाब भी आप देंगे, बहुत धन्यवाद के साथ प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने ग्रहण करें, आमेन। तो अभी मौका होगा, करीब करीब एक घंटे का समय हमारे पास है, भाइयों के लिए भी मौका है, बहनों के लिए भी मौका है, छोटी छोटी प्रार्थना करें, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों और बहन प्रार्थना कर सके, तो पहले भाइयों के लिए मौका है। यस लॉर्ड, प्रभु इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाते प्रभु आप आए हमारे बीच में इतने प्यारे संदेश के साथ, यस लॉर्ड यस लॉर्ड, यस लॉर्ड यस लॉर्ड, मेरी प्रार्थना है प्रभु हमारे अंदर को अनुभूति आ सके, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने खुदावन भाइयों के लिए जो वैक्सीनेट हो गए खुदावन, ओ प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना है खुदावन, जैसे प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम अपने लॉस्ट भाई के लिए खड़ा हुआ प्रभु बिछुए में, इससे पहले कि उसकी बॉडी चेक हो खुदावन, प्रभु यीशु मसीह आप स्वयं आए खुदावन, मूसा आया प्रभु जिसमें कि मसीह की आत्मा थी खुदावन, यस लॉर्ड, वो खुदावन यीशु मसीह मेरी प्रार्थना है प्रभु हमारे अंदर वो
कनेक्शन हमें दे दे ओ खुदा, हम गिड़गिड़ाना हमें दे खुदावर, ताकि हम अपने उसके तीन दोस्त आकर के उस पर तोहमत लगा रहे खुदा, और आप उन्हें बर्बाद करना चाहते थे प्रभु, लेकिन खुदावन अय्यूब उनके लिए बिछोई में खड़ा हुआ प्रभु, और खुदावन जब अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना करी तब प्रभु वो बच सके खुदावन। वो प्रभु मेरी प्रार्थना है खुदावन, खासतौर से प्रभु अपने भाइयों के लिए खुदावन, बहनों के लिए प्रभु जो संदेश में आए थे खुदावन लेकिन पिछड़ गए प्रभु यीशु मसीह, इस संदेश में आगे चल नहीं पाए खुदावन, मेरी प्रार्थना है प्रभु पवित्र आत्मा की पुलिस जाकर के उनके वो इसी समय अपने घुटने पे आ जाए खुदावन, वापस लौट के ओ खुदावन यीशु मसीह, कैसे हम पीछे को देख रहे थे प्रभु, कैसे वो सोल के अंदर पवित्र आत्मा होना कितना जरूरी है, कैसे वो टूटा गड़ा रहना चाहिए, वचन के साथ काम कर सके खुदावन, मेरी प्रार्थना है प्रभु हमें से हर एक खुदावन उस वचन के साथ काम करने पाए खुदावन, हमारे हर एक के अंदर प्रभु वो सोल में पवित्र आत्मा पाया जाए प्रभु, वो खुदावन वो बैपटिज्म आप होली गोस्ट मिल सके खुदावन, वो खुदावन कैसे मैं सीरीज पढ़ रहा था प्रभु अडॉप्शन भी खुदावन, अभी बताते हैं ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है विश्वासी के लिए तीसरे निकासी में खुदावन, वो खुदावन बॉडी चेंज से पहले प्रभु, यस लॉर्ड, ताकि हम इन संदेशों को समझ सके प्रभु कितना आवश्यकता है खुदावन इस पवित्र आत्मा के हमारे की वो सोल में आ सके, हम खुश ना हो गए हम केवल चर्च में आ जाते, वो खुदावन कैसे हम उस दूसरे केस को देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह, कैसे हम एक और केस को देख रहे थे उस लड़के के को खुदावन जो भी कैंटी कॉस्ट में जो भी चर्च में जाता है प्रभु सब कुछ करता है लेकिन खुदावन आत्मा तक के वो खुदावन अभिषेक प्राप्त किया हुआ है प्रभु, और जब एक लड़की सामने आई खुदावन वो आत्मा तक के चला गया खुदावन क्योंकि पवित्र आत्मा सोल में नहीं पहुंचा प्रभु, वो खुदावन मेरी प्रार्थना है मेरे भाई बहनों के लिए खुदावन, वे जिन्होंने उस नए जन्म को नहीं पाया खुदावन आज मैं बिछवाई में खड़ा हूं बहनों के लिए खुदावन, एक डेस्परेशन में आता हूं बच्चों के लिए खुदावन, जो कॉलेजेस में जाते हैं स्कूलों में जाते हैं खुदावन तमाम गंदगी में पढ़ते हैं खुदावन जाते हैं प्रभु आप उन्हें बचा के रखे खुदावन, वो लोग जो मेट्रो में ट्रेवल करते हैं खुदावन गंदगी हर जगह भरी है खुदावन ईश्वर, वो खुदावन कितना जरूरी है वो पवित्र आत्मा अंदर आ जाए वो खुदावन ताकि हम उन आत्मिक स्फेयर्स में जा सके प्रभु, यस लॉर्ड, आत्मिक स्फेयर में जाते जैसे नबी ने बताया ये संसार है हमें फिर पिशाच, यस लॉर्ड, प्रभु ऐसा ही होने दे खुदावन मेरे बच्चों के साथ मेरे भाई बहनों के बच्चों के साथ, यस लॉर्ड, मेरे परिवारों के साथ बहनों के साथ, दुनिया में जाती है खुदावन कई खुदावन नौकरियों में भी जाती है प्रभु यीशु कोई किसी गलत इंसान की नजर उन पे ना पड़े खुदावन, मदद करे प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा उन्हें घेरे रहे खुदावन, आमीन आमीन, भाई बहनों के लिए खुदावन क्योंकि एक्सीडेंट कंडीशन में प्रभु उनको घेर के लाए लॉर्ड, मुझे पता नहीं कल मैंने जब तय किया खुदावन एक भाई के पास जाने का खुदावन, आप मुझे फल दे प्रभु वो रूप खुदावन रिपेंटेंस के साथ आपके साथ पास आ सके, मदद करे लॉर्ड मदद करे मेरे भाई बहनों को फल दे खुदावन जिनके मुंह नहीं खुलते प्रभु आमेन, मुंह खुलने पाए आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह आमेन, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, पहले मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आप ने मेरे लिए एक ऐसा पास्टर रखा प्रभु जी जो वाकई आत्मिक है प्रभु और वो दिलों गुर्दों को जांचता है प्रभु जी, डिसर्नर ऑफ स्पिरिट करता है प्रभु जी, आज सुबह ही मेरे साथ प्रभु ये घटा कि मैंने किसी भाई के लिए मैंने स्टैंडिंग इन द गैप का रोल प्ले किया खुदावन, सच है प्रभु मैं जानता लोग धरती पे हैं और मैंने दुआ मांगी प्रभु सब आप ठीक करना प्रभु जी, और जब उनके रिपोर्ट्स आए सारे नॉर्मल
आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये थॉट मुझे आपने दिया सुबह ही और शाम को मैं उसको पुलपिट से सुन रहा था। मेरे पास वो भाई हैं जो मेरे लिए पिछड़ी में खड़े हुए थे, मैं बिल्कुल गंधक में था प्रभु, बड़े बुरे हाल में था, मेरी बहुत खराब थी। आप सब जानते हैं प्रभु जी, जब ये भाई आए मुझे कब तक भी उसमें पड़ा रहेगा बाहर प्रभु जी, और वचन सुना के मुझे निकाला आपके नज़दीक लेकर आए प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद कहता हूँ। भाई को हमारे पास बहुत बरकत दे प्रभु, जब ये काम उन्होंने मेरे जीवन में किया मैं भी चाहता हूँ प्रभु, मैं दुआ करता हूँ आज भी करूँगा प्रभु, अपने भाई दस्तोगी के लिए प्रभु जी, जो पीठ की प्रॉब्लम जिनको बहुत परेशानी है प्रभु, रोज उसकी प्रे रिक्वेस्ट आती है प्रभु जी, आप उनको चिल्लाई दें खड़ा करें प्रभु जी, ताकत दे, तंदुरुस्ती दे प्रभु, सारे दर्दों से परेशानियों से मुक्ति दे प्रभु जी, प्रभु इस भवन में चलते हुए आ सके प्रभु, ऐसे आप दया करें प्रभु जी। मेरे लिए, मेरे नोलिन भाई के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, जिन आंखों से वो देखते थे और कितने रूहों को बचा के लाए थे प्रभु, गाना गाते थे, वचन पढ़ते थे प्रभु, प्रभु उन आंखों को आप लौटा दे प्रभु, आप कल आज और युगान युग एक से खुदा है प्रभु, पहले भी आंखें दी है वो आज भी दे सकता है, आप उनकी आंखों को बख्शे खुदा, ताकि वो देख सकें बोल और हमारे लिए गीत गा सकें प्रभु, हमारे सामने आके खड़े हो सके, हमें पहचान सके प्रभु जी, आप ही दया करें। मैं मेरे बेंजामिन भाई के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, प्रभु कैसे वो एक एक भवन के एक एक कामों को करते थे प्रभु, आपके लिए कितने जीलस थे, वचन पढ़ते थे प्रभु जी, दुआएं करते थे प्रभु, आज किसी कारण से प्रभु नहीं आ पा रहे, उनकी मेंटल कंडीशन को आप ही ठीक करें खुदावंद, संपूर्ण चंगाई देकर उनको भी भवन में रिस्टोर करें प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। हमारे पास्टर भाई को बहुत बरकत दे, हमारे साइडर भैया को बहुत बरकत दे, हमारे जितने भाई बहन आए हैं प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, सबको बड़ी बरकत और आनंद, सारी आदर महिमा आपको देता हूँ, और ये छोटी सी दुआ भी कितने प्यारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक समय था प्रभु कोई मेरे लिए आया, तो प्रभु धन्य है प्रभु, दया के सागर, क्षमा करने वाले, रिस्टोर करने वाले हैं, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आशीष के लिए आपने उनको जीवन दिया, हमारे लिए खुदावन आज उनकी सेवा में जब पाए जाते हैं वो सीखते हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्यारे बाबा स्थान। एक समय ऐसा आया खुदा मेरे जीवन में जब मैं भटक गया, मैं बाड़े से निकल गया खुदा, कलीसिया ने मेरे लिए प्रार्थना करी खुदा, तो मेरे लिए खड़ा हुआ प्रभु, उसका निशान में वापस आया जा रहा खुदा, धन्यवाद से आपका मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने वास्तव में मुझसे प्यार किया, जब मैं आपको जानते नहीं था प्रभु, तब आप मेरे पास आए, आपका धन्यवाद हो प्रभु, मसीह आपके प्यार के लिए जो आपने मुझसे किया प्रभु, वास्तानी मैं भी आपसे विनती करता हूँ खुदावन, अपने भाई अनिल लक्ष्मण के लिए खुदावन प्रभु, कारण चाहे कोई भी हो मैं सिर्फ इतना जानता बोलूँ कि आप रेस्टोर करने वाले खुदावन, आपने कहा है मांगो किया जाएगा, तो वो मैं मांगता हूँ खुदावन हमारे भाई पर रेस्टोर करें, और उनसे भाई बहनों को जो किसी कारण रेस्टोर कारण चाहे जो भी हो, बैकसाइड हो गए खुदावन, गिरावट में चले गए भटक गए, किसी ने भटका दे, किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए खुदावन, आप उन्हें फेर लाए प्रभु, खुशखुशी अब नाश होने से बचाया अपने बच्चों को, आपके लोग के नीचे पाए जाते थे, आपसे प्रेम करते थे, धमके जाते थे खुदावन, ओ लॉर्ड आप उन्हें रेस्टोर करें, तो कलीसिया के बीमारों के लिए विनती करता हूँ प्रभु जी, जिनको शैतान ने मुझे तरह तरह की बीमारियों में फंसा रखा, जगड़ रखा है खुदावन, आप उनके बंधनों को तोड़ दे प्रभु, हमें रेस्टोर करें खुदावन, चंगाई दे प्रभु, कृपा करें यीशु मसीह, विनती है प्रभु जी आपसे खुदावन, के लिए सब उन बच्चों के लिए खुदावन जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं खुदावन, ट्रेनिंग्स में जॉब्स करते हैं खुदावन,
प्रभु हमारे बच्चों पे हाथ दया करें, हम अपने बच्चों को नहीं बचा सकते प्रभु, आप हमारे रक्षा करें, आप पहले हमारी रक्षा करता है, हमारे बच्चों को आप बचाएं खुदा, दुष्ट से बचाएं प्रभु, वो लोग ना दया करें, हम कुछ नहीं सिखा सकते बच्चे को, आप हमारे बच्चे को इस दिन में प्रभु खुदा आप उनके हृदय में उतर आए प्रभु, और दया करें प्रभु जो बच्चे पढ़ते हैं आप उन्हें बुद्धि दें खुदा, वो अच्छा पढ़ सके, अच्छा नंबर ला सके खुदा, मेहनत करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनकी मेहनत को सफल करें, कृपा करें पैर वापस में, और दया करें प्रभु जी मेहरबान खुदा यीशु मसीह, जैसे कि आपने कहा जमीन पर जहाँ गई दो जन एक बात के लिए सहमत होंगे वो उनके लिए हो जाएगी, यस लॉर्ड, कह रहा हूँ आसमानी जो प्रार्थना हुई है और जो हो गई है वो जो होनी है उससे मैं भी मैं हाँ मांग रहा है शामिल हो जाऊँ खुदा, यस लॉर्ड, वो खुदा आपका नाम मुबारक हो, खुदा बहुत बहुत संतोष किसी के नाम पर मांग रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका भवन लेकर आए पैर प्रभु, प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, थैंक यू लॉर्ड, मेरे दिनों में प्रभु कई दिनों से प्रभु हम भवन में आ पाए प्रभु, सो प्रभु हम आपसे माफी चाहते हैं प्रभु, आप क्षमा करें प्रभु, और फिर से प्रभु आपने रेस्टोर किया प्रभु, प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, थैंक यू लॉर्ड, तो खुदावंद यीशु मसीह हम विनती करते हैं पैर प्रभु, बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं प्रभु जो बैक स्लाइड अवस्था में प्रभु, विनती खुदावंद यीशु मसीह हम भाइयों में से प्रभु आप बीच भाई का कार्य करें प्रभु, ताकि हमारे भाई जो बैक स्लाइड में है प्रभु वो फिर से प्रभु वापस आने पाए प्रभु, आमीन, खुदावंद यीशु मसीह विनती है प्रभु अपने परिवार के लिए प्रभु, जो हमारा परिवार अभी भी संदेश में नहीं है प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु भाइयों में से प्रभु किसी को बीच भाई का कार्य दीजिए प्रभु, ताकि आमीन आपके संदेश में प्रभु आने पाए प्रभु, यस लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, पास्टर भाई को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, पास्टर भाई को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन, और कलीसिया के रिजन के साथ हो प्रभु, yes, तो खुदावंद यीशु मसीह विनती करते हैं प्रभु अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आमीन, प्रभु यीशु मसीह आप हमारी मदद करें प्रभु, yes, प्रभु मेरे पास जॉब नहीं है प्रभु, सो खुदावंद यीशु मसीह आज हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, प्रभु आप जॉब दिलवाने में प्रभु आप हमारी मदद करें, कहीं पर प्रभु हमें जॉब मिलने पाए प्रभु, ताकि प्रभु हम मेहनत करके प्रभु आपकी सेवा कर सके, आमीन, बीच भाई का कार्य कर सके, प्लीज मर्सी लॉर्ड, प्रभु आप फजल बख्शे प्रभु और तैयारी बख्शे प्रभु, ताकि हम भी प्रभु आपके लिए एक बीच भाई का कार्य कर सके, आमीन, ओ खुदावंद यीशु मसीह अपनी आत्मा से भरे प्रभु, yes, ताकि प्रभु हम आपके साथ चलने पाए प्रभु, आमीन, और इस दुनिया से प्रभु आपके साथ बैठ कर जाने पाए, आमीन, ओ खुदावंद यीशु मसीह सारे बहन भाइयों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, प्रभु आप दया करें प्रभु, थोड़ी सी वित्तीय प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में प्रभु के आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जीवन के बानी पापा सुनानी प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत धन्यवाद, यस लॉर्ड, क्या शाम आपने प्रभु मुझे अपने दया के सिंहासन के तले आने को, थैंक यू लॉर्ड, आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने पास्टर भाई के द्वारा हमें आज अपनी मर्जी बताई खुदा, प्रभु ये बात सच है कि इससे पहले हमारे यहाँ से जाना हो प्रभु, उन तमाम भीड़ को प्रभु जो आप जिनको अपना गले मिलाना चाहते हैं प्रभु आ जाएं खुदा, इसलिए प्रभु आपने विचार डाला खुदा, आपका धन्यवाद हो प्यारे प्रभु, आप ही के नबी ने बताया कि जो खुदा का क्रोध और सजाएं हम पे आनी थी वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली प्रभु, और हम प्रभु आज आज़ाद है हो गए खुदा, प्यारे प्रभु जी आपने अपने वचन में कहा दुष्ट का तो बहुत पीड़ाएँ होती हैं परंतु जो यहोवा भरोसा रखते हैं वो करुणा से घिरे रहते हैं, वो प्यारे प्रभु मैं ऐसी प्रार्थना अपने भाई बहनों के लिए करता हूँ खुदा, तो विश्वास में पिछड़ गए खुदा और दुनिया की चिंताओं में अपने आप को घेर लिया खुदा, और आज वचन से और आपके भवन से पीछे हो गए खुदा, आप उन पर बड़ा रहम करें प्रभु, मेरे बहन भाइयों के प्रभु आप प्रभु उनके हृदयों में प्रभु आप ऐसा कचोड़ हैं प्रभु कि वो दोबारा लौट आए, क्योंकि बाहर तो बहुत बड़ा कोप प्रभु और बहुत बड़ा आपका क्रोध प्रभु भड़कने वाला है प्रभु, और ये संसार उसमें चला जा रहा है खुदा, लेकिन प्रभु आपने अपनी ब्राइड के लिए एक स्केप रखा है खुदा, प्रभु जी मैं अपने बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आप उन्हें वापस फेर लाएं प्रभु, उनके मनों को बदल दें प्रभु, मैं भी प्रार्थना करता हूँ भाई नील बेंजामिन के लिए प्रभु जी, प्यारे प्रभु सच्चे भाई को प्रभु जी आप ही दया करें खुदा, आप मनों को फेरने वाले हैं प्रभु और समझ को बदलने वाले खुदा हैं प्रभु जी, खुदा मन उस भाई पर भी दया करें खुदा, मैं अपने बीमारों को भी प्रभु आपके सम्मुख लेके आता हूँ प्रभु, सीरत लाल को भाई आशीष दस्तों को प्रभु और भी कलीसिया के बीमारों को प्रभु जी
प्रभु जी आप उनकी बीमारी के बंधनों को तोड़ दें खुदा, प्रभु जी उनके जीवनों में ऐसा अनुग्रह आने दें प्रभु कि आपके भवन आए खुदा, ओ प्रभु जी उनके जीवनों में आप चंगाई को रिस्टोर करें खुदा, आप दयालु हैं प्रभु, आप बड़े कृपालु हैं खुदा। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपने बहन भाइयों के लिए प्रभु जो संसार में है प्रभु, जिन पर अभी तक मैसेज नहीं पहुँचा खुदा, आप उनकी भी सुधी रहें प्रभु, जबकि प्रचारक भाई लोग जाते हैं खुदा, आप उनकी बड़ी सहायता करें खुदा, उस पर्टिकुलर भीड़ तक प्रभु मैसेज पहुंच नहीं पाए खुदा, क्योंकि प्रभु कोई भी प्रभु जो संसार में है खुदावन आपके मैसेज के बिना बच नहीं सकता खुदा, प्रभु बड़ी दया करें, मेरे बहन भाइयों को बड़ी आशीष दें, मेरे पास्टर भाई को बड़ी बरकत दें खुदा, आने वाले समय के लिए प्रभु जबकि सेमिनार है प्रभु आप मेरे भाई को बहुत आय से अपने भेदों से भर दें खुदा, कि मेरा भाई बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु भेदों की निष्ठी को कर नहीं पाए प्रभु, इस युग में रखी गई है खुदा कि आपकी ब्राइट बहुत आज से परिपक्व होने पाए प्रभु, और तीसरे खिंचाव के लिए तैयारी बख्शें खुदा, आप दया करें खुदा, आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी, ये प्रार्थना और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिताजी मैं आप ही के सम्मुख रखता हूँ खुदा, सुने और कबूल करें, आमीन। थैंक यू आप मुझे बचाने के लिए भाई में तो होते हुए प्रभु जी आप जिससे प्रभु जी भाई महसूस प्रभु जी रात रात मेरे साथ बैठ कर प्रभु जी मुझे समझाया ये प्रभु जी भाई मैं आपसे मेरे पास रह चुका हूँ, मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ आपने हमारी लड़कियों को बताओ जो कि परेशान है कारण से
Yes, my Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, my Lord. You are perfect doctor. Yes, Lord. Amen. Yes. भवन में आने का मुझे मौका मिला खुदावन में हाउस ऑफ पॉसिबिलिटी है हाउस ऑफ करेक्शन है खुदावन में जिस काम में मिला पाएगा आपने मुझे खुदावन कैडिल लाइन करने के लिए आज बोला प्रभु आपका मन है हमारे काम प्रभु खुदावन आप मेरे पिछले ही बने खुदावन भाई बस होकर मेरे पास किया है खुदावन प्रभु आपने आज्ञा दी है खुदावन की जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे खुदावन आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी हमें तो सिर्फ खुदावन आपसे बोलना है करने वाले सब कुछ आप हैं खुदावन और वो कैसे भी पढ़ा था खुदावन स्पीक टू द रॉक मैसेज में आप बता रहे खुदावन कि वो चट्टान ही तो बोल रही थी कि चट्टान से बोलो वो खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप जानते हैं खुदावन प्रभु जी आप ही जब हम निकल के जाते हैं खुदावन आप हमारे साथ जाते हैं छोड़ते खुदावन आपने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें देखता हूँ वो प्रभु जी मैं विनती करता हूँ मेरे लिए खुदावन जगह जगह दुआ करें प्रभु मैं भी आपकी गवाही दे सकूँ खुदावन खुदावन अपने पवित्र आत्मा से भरे प्रभु खुदावन कैसे सामरी स्त्री ने बोला उस चट्टान से के प्रभु वो जल मुझे दे और खुदावन कैसे आपने नबी के द्वारा बताया कि उसके अंदर कसर खोल दिया आपने खुदावन प्रभु आपसे मैं विनती करता हूँ मैं भी अपने भाई बहनों के लिए स्टैंडिंग का गैप होता हूँ मैं पिछले ही करता हूँ प्रभु जी खुदावन मेरे भाई बहनों के जो मुकदमे खुदावन आप ही लड़े हमारी लड़ाइयों का बैटल फाइट करें खुदावन प्रभु जी जो खुदावन बैक स्लाइडर है खुदावन प्रभु जी आप ही मनों को लौटाने वाले आप हैं प्रभु आप दया करें मेरे भाई बहनों के अच्छे से जवान हो खुदावन प्रभु मेरे बीमार भाई बहनों को आपके चरणों में लाता हूँ खुदावन सबसे पहले भाई आशीष रस्तोगी को खुदावन भाई बहुत पेन सहता खुदावन प्रभु मैं समझ सकता हूँ खुदावन प्रभु मेरे भाई खुदावन हंसता कूदता है खुदावन आप सारे ओ प्रभु जी उसके चिलीट की हड्डी को खुदावन आप नॉर्मल पोजिशन में ला दे आपसे विनती करता हूँ भाई अनिल बेंजामिन के लिए प्रभु ओ खुदावन आप ही राइट माइंड में ला सकते हैं उस भाई को खुदावन वो आराम से अपने आप चलता हुआ भवन में आए प्रभु विनती करता हूँ बहन सीरत के लिए प्रभु जी खुदावन मेरी बहन को भी अपने भवन में रेस्टोर करें सारे कॉम्प्लिकेशन दूर करें आप खुदावन जो भाई बहन पवित्र आत्मा की कमी हम सब भी पाए जाती है प्रभु आपसे विनती करते हैं अपने पवित्र आत्मा से भरे लॉर्ड क्योंकि आप खुद पवित्र आत्मा ही हर बार पुलपिट से बोलते हैं खुदावन प्रभु जी आपसे विनती करते हैं प्रभु जी खुदावन मेरे लिए खुदावन आपका धन्यवाद हम अपने एल्डर भाई के लिए पास्टर भाई के लिए खुदावन खासतौर से खुदावन मेरे पास्टर भाई को खुदावन अपने जीवन बख्शा के साथ मुझे आपने अपनी निगाहों में रखा खुदावन खुदावन से टाइम को मेरे लिए इस्तेमाल yes, no. मेरे पास्टर भाई को ताकत तंदुरुस्ती दे प्रभु जी आने वाली मीटिंग सेमिनार के लिए प्रभु और भरे खुदावन जो भाई बाहर से आते हैं वो भी हम और हम सब भी
खुदावन बहुत ऐसे और ब्लेस हो सके एडिफाई हो सके खुदावन सारा आदर भी आपको देते हैं टाइटन भाई को बड़ी आसपास करते हैं टाइटन भाई को वो खुदावन चिंतन भाई का राज सबको नाम नाम बड़ी आसपास ये यीशु मसीह के नाम में छोटे क्रॉस में हैं संदेश के लिए जो आपने से बातचीत करी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रधान विश्व से आपको टाइमली मीटिंग के लिए प्रधान जो अपने दास के द्वारा होके में बताते हैं प्रधान विश्व मिश्री प्रधान आकाशवाणी कैसे आज प्रधान विश्व मिश्री हमने सीखा प्रधान जो आई रही यानी कि प्रोफेसर थी प्रधान विश्व मिश्री उसमें से एक मैसेज प्रधान विश्व मिश्री जो कि प्रधान हमें आज हमें करना है प्रधान विश्व मिश्री पैरा मसवानी वो मसीह का आत्मा जो हमारे अंदर होना चाहिए प्रधान विश्व मिश्री क्योंकि ट्राई करें प्रधान बाबासवानी अपने लोगों के लिए प्रधान विश्व मिश्री क्योंकि दुनिया में फंसे हैं प्रधान विश्व मिश्री शैतान के द्वारा जकड़े हुए हैं प्रधान बाबासवानी बाबासवानी आपसे उनके प्रार्थना करता हूँ मैं विश्व मिश्री आप मुझे भी अनुग्रह दें प्रधान विश्व मिश्री ताकि मैं भी प्रधान विश्व मिश्री उस आत्मा के साथ प्रधान विश्व मिश्री जो कि आपके मैंने ये बताया प्रधान विश्व मसीह उस प्रोफेसी के द्वारा इसमें लिखा है कि माय वे प्रधान विश्व मसीह आपके मैंने बोला कि इसे अंडरलाइन करो प्रधान विश्व मसीह मेरा पासवानी आप रहम करें प्रधान विश्व मसीह कि उस आत्मा को प्रधान वापसवानी के द्वारा होकर प्रधान विश्व मसीह हम भी प्रभु हम एक ट्राई के द्वारा प्रधान विश्व मसीह अपने भाई बहनों के लिए प्रभु विश्व मसीह उनके बिचकोई में खड़े हो सके प्रधान विश्व मसीह प्रधान वापसवानी उनके छुटकारे के लिए प्रभु विश्व मसीह उनकी डिलीवरेंस के लिए वापस करें जी बीमारियों के लिए प्रधान विश्व मसीह आप इसमें दया करें प्रधान विश्व मसीह का धन्यवाद देता हूँ प्रभु विश्व मसीह कि आपने आपने प्रधान विश्व मसीह कमरे पर दया रहम करी प्रधान विश्व मसीह या आपको मेरे विषय में खड़ा हुआ प्रधान विश्व मसीह जैसे आज मैं आपके भवन में बैठा हूँ थैंक यू लॉर्ड आपके चुनाव में पा जाता हूँ प्रधान विश्व मसीह आप रहम करें प्रधान विश्व मसीह यही सेम काम प्रधान विश्व मसीह आपने बोला प्रधान विश्व मसीह इसी खेल में प्रधान आपको कोई नहीं मिला आप ढूंढ रहे थे प्रधान विश्व मसीह मेरा बस मानिए आप उसकी भी दया ग्रहण करें प्रधान विश्व मसीह प्रधान मैं खड़ा हो सकूँ प्रभु विश्व मसीह अपने बहन भाइयों के लिए प्रधान विश्व मसीह आपके काम को पूरा करने के लिए प्रधान विश्व मसीह प्रभु जी आपसे उनकी प्रार्थना करता हूँ प्रधान विश्व मसीह क्योंकि हमारे समय में प्रधान विश्व मसीह आपने नबी को भेजा प्रधान विश्व मसीह इसने हमारे लिए प्रार्थना करी प्रधान विश्व मसीह आमेन आकाशवाणी उसके बाद प्रधान विश्व मसीह आपने हमारे पास्टर को रखा प्रधान विश्व यस लॉर्ड हमारे लिए प्रधान विश्व मसीह टाइमली प्रधान विश्व मसीह आपसे फूड लेके आते हैं प्रधान विश्व मसीह ड्यू सीजन के लिए प्रधान विश्व मसीह आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विश्व मसीह आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रधान और हमारे पास्टर की मिशन बताए से ब्लेस करें आमेन और अपने रेवलेशन से बताए यस लॉर्ड दुष्ट की हर एक ताकत प्रधान विश्व मसीह विफल हो प्रभु आमेन आप ऐसी दया करें प्रधान हर मार्ग में प्रधान विश्व मसीह जहाँ भी ये मिनिस्ट्री जाए जहाँ कदम पड़े प्रधान विश्व मसीह वहाँ विक्टोरियस हों प्रधान आमेन आप ऐसी दया रहम करें प्रधान विश्व मसीह आपके जो ब्राइड के लोग हैं प्रभु विश्व मसीह ब्राइड के मेंबर्स हैं प्रधान उनको आप तैयारी बख्शे प्रधान आमेन हमारे यहाँ से पूछ करने का समय है प्रभु आमेन हमारे यहाँ से फ्लाइट लेने का टाइम है यस लॉर्ड जैसे कि आपके वचन हमने सीखा प्रभु विश्व मसीह हमने से कोई ऐसा ना हो प्रधान कोई बीच स्टेशन में उतर जाए प्रधान विश्व मसीह जैसे कि आपके नबी ने बताया उस बॉक्स कार में प्रभु विश्व मसीह जो कि सील्ड अप हुई प्रधान डेस्टिनेशन के लिए प्रभु जी प्रधान वो हम डेस्टिनेशन के लिए सील्ड अप होने पाए प्रभु विश्व मसीह अपने अडॉप्शन के द्वारा प्रभु विश्व मसीह डेस्टिनेशन तक पहुँच सके प्रधान बाबा सुनाई प्रधान आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु विश्व मसीह उन लोगों के लिए प्रभु जी जो बैकस्लाइड हो मर्सी लॉर्ड किसी भी कारणवश प्लीज लॉर्ड लेकिन आपके वचन में लिखा है कि वो लैंड के लोग थे प्रभु यीशु मसीह आपस में जब उन्हें लौटा के लेके आए आमेन अरे उनकी परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह उनकी कंफ्यूजन को दुष्ट के चालों को प्रभु यीशु मसीह ने रोकती है उनको अब दूर दफा करें वापस में जैसे दया करें प्रभु वापस में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि हमारी पहली से प्रभु यीशु मसीह की सेमिनार होने वाला है प्रभु जी हम सब कामों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु सारी मीटिंग्स को आपके हाथों में सौंपते हैं आमेन आपके अनॉइंटिंग से आपको प्रार्थना करते हैं ब्लेस करें प्रधान यीशु मसीह हमारे जीवन और करेक्ट होने पाए प्रभु यीशु मसीह आमेन आपके दौर में हम और बहुत ऐसे बढ़ सकें प्रभु यीशु मसीह प्रधान आप हमें एक हम्बल हार्ट दें प्रधान यीशु मसीह जो आपकी आज्ञाओं पर चलने वाला हो सके प्रभु आमेन
आपका नाम मुबारक प्रभु, इसमें पूरी प्रार्थनाएं हुई हैं और उन्हीं हैं प्रधान सत्र में और हम इनके साथ शामिल होता हूँ प्रभु, प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। बहनों के लिए मौका होगा आपने मुझे खुदावन अपने लहू से खरीदा और इस लहू के कारण ही खुदावन मुझे हियाव होता है प्रभु कि मैं आपके लिए आपके सामने आ पाती प्रभु। खुदावन ये लहू आपका प्रभु मसीह लहू मुझे कॉन्फिडेंस देता है खुदावन, मैं आ नहीं सकती खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने अगर मुझे ढूंढा नहीं होता खुदावन, आपने मुझसे प्यार नहीं किया होता खुदावन, मैं आज यहाँ नहीं होती खुदावन। आपका हाथ उठा के धन्यवाद करते हैं, आप धन्यवाद महिमा के योग्य खुदावन करते हैं, आपका लोही खुदा मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि मैं बिचवे का काम कर सकूं खुदावन, अपने भाई बहनों के लिए दुआ कर सकूं प्रभु। खुदावन कैसे अयूब खुदावन बिचवे बना खुदावन, अपने बच्चों के लिए खुदावन कैसे वो सैक्रिफाइस देता था खुदावन, उसे उस बर्न ऑफरिंग उस सिन ऑफरिंग की खुदावन वो जानता था खुदावन, और इससे पहले कि उसके बच्चे गुनाह करें किसी गुनाह में पड़े खुदावन, आपने खुदावन उससे ये सैक्रिफाइस दिलवाया खुदावन प्रभु। ऐसे खुदावन आपने हमसे बहुत प्यार किया और खुदावन आपने अपने खुद इंसानी जामे में आए प्रभु यीशु मसीह के रूप में आए खुदावन, और आपने अपनी जान हमारे लिए दी ताकि हम खुदावन नाश ना हो प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ खुदावन। आपके सामने मैं खुदावन प्रेयर रिक्वेस्ट ले कराती हूँ खुदावन, सबसे पहले अपनी बहन सुशीला दीदी के लिए खुदावन, वो बहन बहुत दिन से सफर कर रही है खुदावन, खुदावन आप ही सीन में आए प्रभु और खुदावन इस चीज पूरा सीन पलट दे प्रभु, आप कर सकते हैं खुदावन, ऐसे हो जाए खुदावन कि मेरी बहन उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए खुदावन, पूरे अपने देह में संपूर्ण चंगाई पाए और खुदावन भवन में रेस्टोर हो सके खुदावन, मैंने बहुत दिन से उस बहन को नहीं देखा है खुदावन, आप मेरी बहन को रेस्टोर करें प्रभु, मेरी सिस्टर सीरत को रेस्टोर करें खुदावन, जबकि अब उनका पेट स्कैन होएगा फिर से जबकि कीमोथेरेपी फिनिश हो गई है खुदावन, डॉक्टर देखेंगे कि क्या उन्हें और ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं, प्रभु मैं आपके सामने केस को रखती हूं, आप खुदावन ये जो टेस्ट आए बिल्कुल नॉर्मल आए खुदावन, मेरे बहन खुदावन वापस रेस्टोर हो सके खुदावन, आपके लिए असंभव नहीं है खुदावन, आपने कहा है कि ये सुपर साइन है जो द वर्क्स दैट आई डू ही डू आल्सो खुदावन, ये आज असंभव नहीं हमारे बीच में क्योंकि खुदावन आपकी आत्मा जो हमारे को लीड और गाइड करती है खुदावन, आज ये संदेश भी आपकी आत्मा ने हमें बताया खुदावन, आप ही हमें बता रहे हैं कि हम बिछुए का काम करें, हमारे बीच में संदेश नहीं आता खुदावन, अगर हम इस लाइक नहीं होते खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने हमें इस लाइक समझा खुदावन, आज हमें आप इस पोजीशन में रखते हैं प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्यारे बेटे चिराग को आपके लहू के नीचे लाते हैं खुदावन, उसको टिनिटस है खुदावन, उसको बहुत आवाज आती है कान में, वो रात भर सो नहीं पाता है खुदावन, इसलिए वो दिन में वो बिल्कुल जगह नहीं रह पाता खुदावन, वो आपको बहुत प्यार करता है और वो मेडिटेट करना चाहता है, वचन सुनना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता खुदावन, क्योंकि उसको कान में आवाज आती रहती है प्रभु, खुदावन आपके लिए यह संबंध नहीं है, आप उसको आप इसी वचन गए ताकि वो बच्चा बड़े जजकार की ध्वनि के साथ आपके सामने आ सके खुदावन, मैं आपके सामने और भी भाई बहन जो जिनके लिए दुआएं हुई मैं हार आमीन के साथ शामिल हूँ, मेरे बच्चों के लिए मेरे हस्बैंड के लिए अपने लिए दुआ कर रहे हैं, हमें अपने लाइफ बनाए अपने अपने वचन में बने रहने का फजल दे प्रभु, मेरी दुआ खुदावन की इस आवाज जो हमें हमेशा गेट इन लाइन स्टे बैक इन लाइफ होती है खुदावन, ये वचन आवाज कभी हमसे दूर ना हो, इस आवाज में बने रहे ताकि हमेशा लाइन में बने रहे, आपके नाम यीशु नाम में मैं दुआ मांगती हूँ, धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ, सुनो तो हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, मैं भी आपके सम्मुख आपके खुदावन मेरे स्कूल की किस्मत कुर्बानी मेरे जिंदगी के मैम ने खुदावन मैं आपका धन्यवाद खुदावन, बहुमूल्य मौका मुझे बख्शा खुदावन से मैं आपके हुजूर आ सकूँ खुदावन, आपके सामने खुदावन प्रभु मैं आपका धन्यवाद चढ़ा सकूँ कि आपके मेरी जिंदगी में खुदावन बड़े उपकार किए प्रभु,
आपने खुदावर मेरी जिंदगी को खुदावर अपने लहू से छुड़ाया प्रभु। खुदावर पापों में जब हम मरे हुए पड़े थे खुदावर, आपने किसी भाई को भेजकर प्रभु हमें छुड़ा लिया खुदावर। और आज खुदावर जब हम खुदावर सेहत में उतार पा चुके हैं प्रभु, तो अब ये हमारी बारी है खुदावर के हम कहीं जाकर खुदावर आपके इस बड़े नाम की गवाही दे खुदावर। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावर। खुदावर आप बहुत ही प्यारे खुदा है और हमें इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। जो हमारे भाई बहन खुदावर खुदावर जो बैकस्लाइड हो गए खुदावर, और जो प्रभु बीमारी की अवस्था में पड़े हुए खुदावर, हमें इस वक्त आपकी जरूरत है खुदावर। खुदावर ऐजरा के समान खुदावर जब वो आवा नदी पर उपवास प्रार्थना कर रहा खुदावर, और प्रभु आपको पुकारा खुदावर, हम किसके पास जाए खुदावर, क्योंकि हम तो सारी दुनिया से कह चुके हैं खुदावर कि हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला हमारा खुदा हमारे साथ है। और प्रभु हमें सच में शर्म आती है खुदावर। हे प्रभु मेरी प्रार्थना खुदावर, खुदावर मैं अपने आप को खुदावर भाई बहनों के लिए प्रभु बिछवाई में लाती हूँ खुदावर। हे प्रभु मेरे उन भाई बहनों को जो बीमारी की अवस्था में पड़े खुदावर, आप उन्हें खुदावर संपूर्ण चंगाई दे, आप उन्हें उठाकर खड़ा करें खुदावर। जिनके नाम मैं नहीं जानती खुदावर, आप उन्हें नाम में नाम आशीष दे खुदावर। ओ प्रभु मेरी प्रार्थना प्रभु, जो हमारे भाई बहनों के बच्चे हैं खुदावर, प्रभु यीशु मसीह जो आपके वचन पर नहीं चल रहे खुदावर, और जिनको खुदावर बपतिस्मा मिल चुका और पवित्र आत्मा नहीं मिला खुदावर, मेरी प्रार्थना खुदावर आप तो लॉर्ड आप मदद करें, सहायता करें पवित्र आत्मा। हे पुलिस मैं आपको उनके पीछे लगाती हूँ खुदावर, आपने लौटा कर लिया है खुदावर। जवान बच्चों की ज्यादा से ज्यादा आप मदद सहायता करें खुदावर, दुष्ट और बुरे लोगों से उन्हें बचाए मेरे प्रभु। हे खुदावर हम सच में आप किसी और के पास नहीं जा सकते, जब ऐसा सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी खुदा हमारे पास हो, और जो सब कुछ करने में सामर्थ्य हो, हे खुदावंद आप दया करिए प्रभु। हमारी तमाम जरूरतों को आप ही अब तक पूरा करते आए हैं खुदावंद, आगे भी आप ही हमारी मंजिल को पार लेंगे। हमें संपूर्ण पवित्र आत्मा से भर दे खुदावंद, हमारे परिवार के कोई भी जल खुदावंद नष्ट ना होने पाए। मेरी यही प्रार्थना खुदावंद आप दया करें, रेसा रेसा पवित्र आत्मा से भरा जाए। हे प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपका नाम मुबारक कहती हूँ खुदावंद, अच्छे बढ़िया संदेश के लिए, अच्छे आत्मिक अपने भाई पास्टर आशीष लाल के लिए खुदावंद आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो खुदावंद। और प्रभु हमारे भाई को और उठाए और अपने आत्मिक आशीषों से भरे खुदावंद। हे प्रभु सच में जो आवाज हमारे बीच में रैप्चर में हमें लेकर जाए खुदावंद, यही प्रार्थना खुदावंद। सब भाई बहनों को आशीष दे, बरकत दे खुदावंद, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा पापा, मैं भी आपके लहू के नीचे आती हूँ मेरे अब्बा पिता। जो मेरे पति बैकस्लाइड हो गए हैं जॉन अब्राहम मेरे अब्बा पिता, वो अपना आप से लड़ रहे हैं मेरा खुदा, मगर वो जीत चुके हैं मेरे अब्बा पिता, क्यों हम जीवित खुदा पापा के बच्चे हैं। आज हमने बिछवा आज आपने पद दिया आपने मेरा खुदा पापा, अपना पद जो बिछवाई का है मेरा खुदा पापा, सच्चा खुदा आपका धन्यवाद करते हैं मेरे अब्बा पिता। वो मेरे खुदा मेरे पति को उस लड़ाई से जिताइए मेरा खुदा पापा, उस नशे की गंदी आदतों से छुटकारा दिला दीजिए मेरा अब्बा पिता। वो मेरा खुदा वो लड़ते हैं रोते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मगर खुदा आप सब कुछ करने वाले आप ही है मेरा अब्बा पिता। आप मुर्दों को जलाने वाले खुदा आप, वो अंध जन्म के अंधे को आगे देने वाले खुदा आप, और आप ही ने बोला खुदा कि मैं आज और कल युगों ऐसा हूँ खुदा पापा, आप कभी ना बदलने वाले। 2000 साल पहले भी वही खुदा था, आज भी वही खुदा हो मेरा अब्बा पिता। अब्बा पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र बहन के लिए जो 4 साल से खुदा बैपटिज्म के लिए तरस रही है मेरा अब्बा पिता, मैं उसके पति के हृदय से बात करी जो साइन नहीं कर पा रहे उनके बैपटिज्म के लिए। वो मेरा खुदा वो रोती है वो बिलखती है मेरा अब्बा पिता, प्लीज जैसे मुझे दिया है बहन भाइयों को आज मौका दिया है मेरा खुदा पापा, वो मेरा खुदा उस बहन को भी मौका दीजिए, उनके पति के हृदय से बात कीजिए मेरा पापा, उनके बच्चे से बात कीजिए मेरा अब्बा पिता, उनके परिवार को पे अपना एक ऐसा अनुग्रह कर दीजिए वो भी एक गवाही देने वाली बन पाए मेरा अब्बा पिता। जहाँ भी मिलते हैं वो आपके नाम की जय जयकार की गवाहियाँ देती है मेरा अब्बा पिता, प्लीज उस बहन के जीवन में कार्य करिए, वो भी बैपटिज्म लेने वाली बन पाए और आपके भवन में स्टोर होने वाली बन पाए मेरे अब्बा पिता। मेरे पति भी मेरे पूरी फैमिली के साथ अपने इस भवन में आना चाहती हूँ मेरे अब्बा पिता, इस फैमिली को पूरा कीजिए मेरे अब्बा पिता आपके भवन में आने दें, क्योंकि आपने
नूह के परिवार को भी इकट्ठा कर था, उस नाव में मेरा अब्बा पिता, ओ खुदा इस नाव में भी, अपने थे के नाव में भी मेरा परिवार को इकट्ठा कीजिए मेरा अब्बा पिता। आपने हर परिवार को बचाया मेरा अब्बा पिता, मैं पूरे दिल से दया से मैं आपसे विनती करती मेरा अब्बा पिता मेरे परिवार को बचा लीजिए। मैं अंजलि बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो उनके जिनके पेट में जो स्वेलिंग आई है मेरा अब्बा पिता बच्चेदानी में, ओ खुदा आप धन्यवाद कर दो, आपने ना छुआ और चंगा कर दिया मेरा अब्बा पिता, आपका धन्यवाद कर। जितने मेरे बहन भाई हैं जिनके लिए प्रार्थना हो चुकी है मेरा अब्बा पिता, वो चंगे हो चुके हैं मेरा अब्बा पिता। जो भाई आज भवन में आए थे मेरा अब्बा पिता, उनके कमर में दर्द था, वो मलम लगा के आए थे, आपने आज उनको भी चंगाई दे दिया, आपका धन्यवाद कर दिया मेरा अब्बा पिता। उनकी बीवी को भी जो आपने उनके पेट में इन्फेक्शन था, आपने उनको चंगाई दिया, आपका धन्यवाद कर दिया मेरा अब्बा पिता। सब कुछ करने वाले आप है, आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा चढ़ा के हम थक जाए मेरा अब्बा पिता, मगर आपका अनुग्रह कभी नहीं थकता हमसे मेरा अब्बा पिता। सच्चा खुदा हम भूल जाते मगर आप हमें नहीं भूलते मेरा अब्बा पिता, कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा मेरा अब्बा पिता, आपका धन्यवाद है मेरा अब्बा पिता। जिस तरह से मैं कह रही थी कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मगर आपका अनुग्रह है जो मैं यहाँ आ पाई हूँ मेरा अब्बा पिता, बहन भाइयों में बैठ पाई हूँ, आज आपके नूह में नूह के नाम में बैठ पाई हूँ, आपका धन्यवाद करती मेरा अब्बा पिता। आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ, आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम में आमीन। आपका बड़ा रहम, आपकी दया, आपकी कृपा प्रभु, चाहती हूँ आपके रहम से हम प्रभु आपके भवन में आए हैं प्रभु जी, हमारी कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है, ये तो आप हैं और आपका वचन है, आपके अनुग्रह में हम बने रहे खुदा, नहीं तो हम सबके नाश हो जाते खुदा। दुनिया में तो चारों तरफ बर्बादी परेशानियाँ ही हैं खुदा, कुछ भी अच्छा नहीं है, ये सच है कि खुदा हम भी कभी दुनिया में बिचर रहे थे, नाम के क्रिश्चियन तो थे प्रभु पर नाम के थे केवल, ऊपर कल कोई आया हमारे को बचाने के लिए खुदावन, और उसने हाथ पकड़ के हमें खींचा खुदा उस गड्ढे से खुदावन, के उस गड्ढे से बचाया प्रभु पर। आज हम जाती आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह कि हमें भी आज बिछवई में खड़ा होना चाहिए खुदावन, क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन बैकस्लाइड हालत में हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं प्रभु, बहुत लोग परेशान हैं खुदावन, उनके परिवार परेशान है खुदावन, आप दया करें रहम करें मेरे खुदावन, उन सब को प्रभु आप अपने संदेश में लेक्चर होने से पहले फिर झुंड में इकट्ठा कर दे खुदावन, आपने कहा है झुंड एक छोटे झुंड मत घबरा, बात को यही पसंद है खुदावन, आप दया करें खुदावन, आप तो हमारे लिए अपना तक तो ताज छोड़ के सब से पृथ्वी पर कराए, आपने अपना सिंहासन आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपने आप हमारे लिए सर्वस्थान बने खुदावन, आज हम आप में छुपते हैं और हम बसते हैं खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे निगेबान हैं, आप हमारे सेवियर हैं प्रभु, आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, इस दुनिया में अगर कोई रेश है तो वो आप हैं खुदावन प्रभु, मेरी भी आपसे प्रार्थना है प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना अपने परिवार में से अपने भाई की दो बेटियों को लेके खुदावन के हस्बैंड इस संदेश में नहीं है, और प्रभु मैं चाहती हूँ हमारा सारा परिवार चाहता है कि वो लोग इस संदेश में वापस आए आ जाए खुदावन, ऐशिका के हस्बैंड आशीष जवान को और प्रभु शोभना के हस्बैंड संदीप को मैं चाहती हूँ खुदावन कि दोनों इस संदेश में आ जाए, हमारा परिवार पूरा नहीं हो पा रहा इन दोनों के वजह से, हम लोग थोड़े बड़े अफसर से रहते हैं कि खुदावन ये कब आएंगे, उनकी पत्नियाँ भी बड़ी परेशान रहती हैं खुदावन, वो भी चाहती हैं खुदावन कि वो इस संदेश में आए खुदावन, प्रभु आप दया करें और आप उनको इस संदेश में लाने के लिए प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुने, आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, प्रभु आज मैं मांगती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ खुदावन आप उन दोनों पर रहम करें, आशीष जॉन पर और संदीप पर प्रभु आप दया करें, उन परिवारों पर आपका रहम बने, और परिवार एक पूरा परिवार बने मसीह में, विश्वासी परिवार बने खुदावन प्रभु आप दया करें प्रभु, आपसे दिल की प्रार्थना है प्रभु अपनी बहन रिलिमा के लिए खुदावन, जिसकी बहुत हालत खराब है खुदावन, उसके सर में जिस स्वेलिंग है खुदावन, मैंने आज सुना खुदावन, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती प्रभु मेरी बहन को उठा के खड़ा करें और संपूर्ण चंगाई दे खुदावन, और हर तरह की परेशानियां उसकी दूर करें खुदावन, प्रार्थना करती हूँ, और भी मेरे कलीसिया के जितने भी बहन भाई सब बीमार हैं उन सबको भी मैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ, और जितने भी दुआ हुई हैं उन सब में मैं हाँ और आगे के साथ शामिल हूँ खुदावन, आप उन पर रहम करें खुदावन, मेरे पति पर भी आप रहम करें, जबकि आज हमें लग नहीं रहा था कि हम थर्सडे की पार्टी प्रेयर मीटिंग में आ पाएंगे,
क्योंकि उनको भी टाइफाइड हो चुका था फास्टिंग प्रेयर में आने से पहले। प्रभु यीशु मसीह आपने उन्हें खड़ा करा और आज मेरा पूरा परिवार इस भवन में है, इसके लिए मैं आपका हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के योग्य केवल मात्र आप हैं, सारी आदर महिमा आपको मिले पूरे परिवार। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ सेमिनार के तीनों मीटिंग के लिए, प्रभु भाई आशीष को बड़ी आशीष और बरकत दे, आप उन्हें उठा के और माइकली इस्तेमाल करें खुदावन, और सारे जो भी जितने तीन दिन की मीटिंग है सारे बड़े अच्छे सुचारू रूप से हो सके, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी चीज़ की कमी घटी ना हो खुदावन। सब चीज़ों को पूरा करने वाले आप हैं, आपका नाम मुबारक, आपके नाम की तारीफ, सारी आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी दुआ और धन्यवाद और प्रार्थना को भी यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाते हैं, सुने और कबूल करें। आपके पास आपको वो आप सही होता है, भला जो भी कहानी एक सीटों को
दूर दी गई है, आप ही मेरे उन बच्चों को संपूर्ण जगाई दे,
माइंड में रेस्टोर करे खुदा बाबा। प्रार्थना करती हूँ खुदा प्रभु यीशु मसीह अपने उन भाई बहनों के लिए जिनके जॉब आवर्स ऐसे हैं जिसके कारण वो आपके भवन में नहीं आ पाते, ओ लॉर्ड जीसस आप सब कुछ आप जानते हैं खुदा प्रभु यीशु मसीह की जब तक हम इस दुनिया में हैं हमें उन नौकरियों की उन चीज़ों की जरूरत है, लेकिन आप मेरे उन भाई बहनों के लिए ऐसे हालात बनाए खुदा बाबा ताकि वो समय निकाल कर आपके पास आ सके और उनके ऊपर विजयी हो सके। यीशु मसीह अपने बहन भाइयों के लिए इतनी प्रार्थना करती हूँ जो अभी भी उस मोबाइल के नेट में फंसे हुए प्रभु जी, उन चीज़ों से वो निकल नहीं पा रहे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे खुदा प्रभु यीशु मसीह उस चीज के लिए पागल है खुदा बाबा। ओ लॉर्ड जीसस आपका अनुग्रह बहुत आए से अपने लोगों के लिए मांग चुके हैं, आप भी अनुग्रह करें खुदा बाबा और कुछ ऐसा आप उनके हृदयों को चेंज कर दे खुदा प्रभु ताकि उनका मन आपकी ओर लगने पाए। आप सब कुछ करने में सर्व सामर्थ्य हैं खुदा प्रभु मसीह। मेरे भाई बहन जो आत्मिक और शारीरिक चीज़ों के लड़ते हैं खुदा प्रभु मसीह जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती खुदा बाबा, ओ लॉर्ड जीसस ये सच बात है प्रभु जी कि हम तो अपने आप में ही रहते हैं प्रभु जी, लेकिन मेरे बहुत से बहन भाई परेशान होते हैं खुदा बाबा, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए खुदा बाबा आप उनकी लड़ाइयों को लड़े खुदा बाबा, उनके विश्वास को बहुत ताज से बढ़ाए प्रभु जी ताकि वो केवल उन चीज़ों में फंस कर ना रह जाए प्रभु जी, लेकिन वो आपके साथ सही रीति से चल पाए। आप सब कुछ करने में सर समर्थी है, आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय स्तुति और तारीफ हो। जितनी भी प्रार्थनाएं की गई है खुदा प्रभु यीशु मसीह मैं भी उनमें हाँ और आमीन के साथ शामिल हूँ। आप उन तमाम प्रार्थनाओं को सुने और उनका जवाब भी दे बल्कि आपने उन प्रार्थनाओं को सुन लिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। इस धन्यवाद की भेंट को इतनी प्रार्थनाओं को अपने उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहती हूँ, सुने और कबूल करें, आमीन। आपके नाम का मैं लाखों लाख शुक्र और धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, कैसे आप हमें लीड कर रहे हैं प्रभु जी, कैसे हमें आप गाइड कर रहे हैं प्रभु जी, कैसे हमें लेकर के आप चल रहे हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारे बीच में एक मिनिस्ट्री को रखा है प्रभु जी। ओ प्रभु जी इस मिनिस्ट्री के द्वारा आप हमें लीड कर रहे हैं। संसार के अंदर अंधकार पड़ा हुआ है प्रभु जी, संसार में बर्बादी है प्रभु जी, संसार के अंदर पाप बहुत है प्रभु जी, लेकिन आपने हमें एक ऐसे स्थान में रखा है, आप हमें एक मैसेज के अंदर रखा है प्रभु जी, आपने हमें नाव के अंदर छुपा करके रखा है प्रभु जी। बाहर प्रॉब्लम है, ट्रबल है प्रभु जी, लेकिन इस मैसेज के अंदर, आपके अंदर हम सेफ पाए जाते हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ओ खुदा भाई डीलिंग के लिए इन दिनों में आप हमारे साथ कर रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु जी कि आपकी दुल्हन का हिस्सा जो पाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर प्रभु जी वो परिपक्वता तक पहुंच सके प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं पास्टर भाई के लिए, एक बार और प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हमारे पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें, अपने रेवलेशन से भाई को और भरता चला जाए, नाम जलाल महिमा के लिए और माइटिली इस्तेमाल करें प्रभु, अच्छी सेहत दीजिए प्रभु जी, अच्छी तंदुरुस्ती दीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी जैसे आज भाई ने हमें बताया प्रभु जी, एग्जॉर्ट किया प्रभु जी कि आपका मन हमारे अंदर आना है प्रभु जी, आपकी फीलिंग्स जो आपके अंदर थी प्रभु जी, ओ खुदा बाप वो हमारे अंदर आना है प्रभु जी, वो जो लव आपके अंदर था ओ खुदा बाप आपने उस अगापाओ प्यार की खातिर आपने प्रभु जी अपना जान तक प्रभु जी दे दी प्रभु जी। ओ खुदा बाप आप रात में नाव पे जाते हैं प्रभु जी एक इंसान को बचाने के लिए, दूर दूर जाते हैं प्रभु जी, 38 साल का मसरूफ पड़ा है उसको प्रभु जी उठा करके खड़ा करने के लिए प्रभु जी। आप सुखार नाव गाँव से जाते हैं, एक लॉस्ट सोल है प्रभु जी, लेकिन आपके बेनायम से जानी हुई है प्रभु जी, आप उसके पास जाते हैं, आप जकई के पास जाते हैं, आपको दर्द है प्रभु जी कि लोगों को शैतान के रास्ते खींच करके वो अपने राज में शामिल करें प्रभु जी। ओ खुदा बाप आप यही चाहते हैं हमारे अंदर प्रभु जी, हमारे अंदर भी यही आत्मा होने पाए प्रभु जी, हम भागते रहें दौड़ते रहें प्रभु जी। ओ खुदा बाप आप उन भेड़ों को प्रभु जी जो लॉस्ट हैं प्रभु जी, ओ खुदा बाप लेकिन आपकी चुनी हुई है प्रभु जी, ओ खुदा बाप उन्हें झपट कर शैतान के रास्ते निकाल करके प्रभु जी आपके राज में हम शामिल करने वाले हो सकें प्रभु जी। ओ खुदा बाप आपसे हमारी यही प्रार्थना है प्रभु जी, आपका मन दीजिए, आपका प्यार दीजिए, आपका
आत्मा जो आपके अंदर इंटरसेशन की थी प्रभु जी, वो हमें से हर एक को दीजिए प्रभु जी, हम इंटरसीड कर सके एक दूसरे के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उनको आप में उठा सकें प्रभु जी, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं प्रभु जी। शैतान एक फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान बाहर घूम रहा है प्रभु जी, वो चाहता है किसको खींचूं, किसको फाड़ खाऊं, लेकिन ओ खुदाबाप सबको जो आपके चुने हुए, ओ खुदाबाप आओ आपके लहू में छुपाते हैं, आप प्रोटेक्शन करिए प्रभु जी, हमारा प्रोटेक्शन करिए, बच्चों का प्रोटेक्शन करिए, घराने का प्रोटेक्शन करिए, हमारे सारे भाई बहनों का आप प्रोटेक्शन करिए, अपने लहू में छुपा करके रखें प्रभु जी, वो खुदाबाप विश्वास में पक्के बने रहें प्रभु जी, वो खुदाबाप वो रैप्चरिंग फेथ में हम बने रहें प्रभु जी, क्योंकि रैप्चर बहुत जल्दी आप पृथ्वी पर आने वाले हैं प्रभु जी, वो बहुत जल्दी रैप्चर होने वाला है प्रभु जी, हमारी मशाले हमेशा जलती रहे, वो एक्स्ट्रा ऑयल हमारे अंदर रहे प्रभु जी, वो हमारे अंदर भूख रहे प्रभु जी, वो मैसेज को पढ़ने की, वो टेप्स को सुनने की प्रभु जी, हमारे अंदर भूख को और बढ़ाते जा प्रभु जी, ओ खुदा बाप हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें प्रभु जी, ओ खुदा बाप मैं भी प्रभु जी भाई अनिल बेंजामिन के लिए प्रार्थना करता हूँ, बहुत समय से वो भाई बाहर है प्रभु जी, वो जो भी परेशानी में है प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी, लेकर के आ जाएँ प्रभु जी, वापस लाएं प्रभु जी, रिस्टोर करें प्रभु जी, सारी कमियों को घटियों को यीशु मसीह के नाम से आप दूर करें प्रभु जी, भाई रस्तोगी भी प्रभु जी, वो भाई भी भागा भागा प्रभु जी आपके भवन आता है प्रभु जी, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है प्रभु जी, लेकिन फिर भी आता है, आप रहम करें प्रभु जी, दया करें प्रभु जी, चंगाई दीजिए प्रभु जी, वो और भी जो बहुत सारे बीमार हालत में पाए जाते हैं उन्हें भी चंगाई दीजिए, जो शारीरिक रीति से बीमार है, जो आत्मिक रीति से बीमार है, सबको चंगाई दीजिए प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पास्टर भाई लाल के ग्रुप के लिए प्रभु जी, जिन्होंने आज का इंतजाम अपने हाथ में लिया, इन्हें बड़ी बरकत दें प्रभु जी, बड़ी आशीष दें प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज हम आपके भवन में आए प्रभु जी, अपनी प्रार्थनाओं को रख सके प्रभु जी, और आपने इन्हें सुन लिया है प्रभु जी, और उसका जवाब भी दे दिया है प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमेन। मैं पास्टर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा, आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं, और जहां भी खड़े हैं आपके लिए 5 मिनट का मौका है अपनी एक दुआ रखने का, आमीन।
ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, मेरी आत्मा के द्वारा। ओ मेरी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान, कृपालु, विशालु, दयालु। आज शाम एक बार फिर आपने हमें तौफीक दी कि आपके चरणों के पास हम आ सकें। सारे आदर, महिमा, धन, भक्ति, शक्ति के योग आप ही बद किया हुआ मेमना है। आपसे पहले ना तो कोई था, ना है और ना ही कभी कोई होगा। आपके लहू के नीचे आते हैं क्योंकि आप इकलौते बिछवाई हैं हमारे और पिता के बीच में। और उस यीशु मसीह नाम में हो के आज हम एक बिछवाई की आत्मा में होते हुए आते हैं। और मैं मांगता हूं खुदावन यीशु मसीह अपने उन तमाम भाइयों बहनों के लिए जो अपनी बेदारी लूज कर चुके हैं, जो थे बेदार लेकिन आज नहीं हैं, हे प्रभु उनकी बेदारी वापस लौटाएं। दुआ मांग तो अपने बच्चों के लिए जो आज भी खुदावन मोबाइल के गुलाम हैं, नेट के गेम्स के गुलाम हैं, उन्हें छुड़ाएं। और खुदावन यीशु मसीह जैसे सिस्टर हैटी के बच्चों को उद्धार दिया, उन बच्चों को आप उद्धार बख्शें। मेरी विनती और प्रार्थना, उनकी बुद्धि खोलें। समय निकलता जा रहा है, ये समय जो उनका कैरियर का है लौट के नहीं आएगा। खुदा उन पर रहम करें, उनकी बुद्धि खुल सके और ठीक तरह समय से अपने काम कर सकें। सबसे पहले तो आपके सामने माथा टेकें, आपके हुजूर आएं, और बाद में आप उनके कैरियर को संभालें। मेरी विनती और प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, हमारे तमाम बीमारों को जो कलीसिया में पाए जाते हैं आप चंगाई दें। खुदावन मैं उन दुआओं में शामिल हूं जो आज शाम यहां रखी गई, भाई अनिल बेंजामिन के लिए, भाई आशीष रस्तोगी के लिए, सिस्टर सीरत के लिए, भाई चिराग के लिए, और जितने बीमार हैं। खुदावन आप हमारी दुआओं को सुने और उनका जवाब दें। खुदावन यीशु मसीह, हम आपका डिवाइन इंटरवेंशन चाहते हैं अपने और अपनी कलीसिया के लिए। जैसे बनी इसराइल के सामने आपने लाल समुंदर फाड़ा था, हमारे भी मार्गों को आप बनाएं, रास्तों को सीधा करें, दुश्मनों के मुंह को बंद करें, दुश्मनों को परास्त करें, उनके हृदयों में हमारे प्रति हमारे लिए एक डर पैदा करें कि उनका यहोवा उत्तम है, उनका खुदा महान और पराक्रमी है। सारी जाति जाति के लोग आपके नाम से घबराएं, आपकी प्रजा से घबराएं, और खुदावन उल्टा ये करें कि हम आपकी मदद करेंगे। खुदावन आपका नाम मुबारक हो, हम आपकी मदद चाहते हैं। सारे आदर महिमा के योग आप हैं, आपका नाम हल्का नहीं प्रभु जी, बहुत ही ज्यादा भारी भरकम प्रभु यीशु मसीह उत्तम नाम, जिस नाम में आपने हमारा उद्धार किया। हमारे साथ बने रहें, हर जीवन में अपने उद्धार को प्रकट करें, चाहे काम हो, चाहे जॉब हो, चाहे चंगाई हो, चाहे किसी जीवन का बचना हो, उद्धार प्रकट करें। हमारे भाई बहन इस फिटनेस को लेके दूसरों तक जा सकें कि वो रूहें जो अभी भी आने वाली हैं लेकिन आई नहीं, आ सकें, उनके लिए भी रास्ते आसान बनाए। सारे आदर महिमा के योग आप हैं, और इन द इवेंट ऑफ रैप्चर हम आपके साथ रैप्चर में जा सकें। सारे आदर महिमा के आप योग, आप जितनी दुआ रखी गई उनमें मैं शामिल हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आए हमारे बाप आप जो आसमान में हैं,
आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। मां रोज की रोटी आप हमें बख्शते हैं, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन और आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग नीचे जा सकते हैं और भोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। मैं